नमस्ते बैंकर्स, मैं कनिका शर्मा SBI PO आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो आज मैं आपके साथ अपनी जुलाई मंथ की जो सैलरी है वो शेयर करने वाली हूँ, सैलरी स्लिप शेयर करने वाली हूँ, ना कि सैलरी। और सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। और मतलब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा जो इस मंथ है ना जुलाई में, मुझे एक इंक्रीमेंट लगा है JIIB का। सो अब ये वाले मंथ में ना हम कंपेयर करेंगे लास्ट मंथ की सैलरी और इस मंथ की सैलरी को कि क्या क्या डिफरेंसेस आए हैं मेरा इंक्रीमेंट लगने के बाद मेरी सैलरी में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सो सबसे पहले तो हम बेसिक पे को कंपेयर कर लेते हैं। जो मेरी इस मंथ बेसिक पे आई है दैट इज़ 44,940 और जो मेरी लास्ट मंथ मेरी बेसिक पे थी वो थी 43,450। सो जो मुझे इंक्रीमेंट लगा है वो लगा है 1490 का मेरी बेसिक पे पे। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट तो जो लगा है मुझे। आफ्टर दैट DA जो है वो भी आप देख सकते हो क्लियरली कि मेरा 500 कुछ रुपीज़ का बढ़ गया है। वो क्यों बढ़ा है? 1490 के प्रोपोर्शन में जो मेरा DA बढ़ना चाहिए था ना, क्योंकि मेरी इतनी बेसिक पे इंक्रीज़ हुई है, उस बेसिक पे का 33.04% जो कि करंट हमारा DNS अलाउंस चल रहा है उसका, उतना जो है वो मुझे इंक्रीमेंट मिला है। दैट इज़ 500 समथिंग बनेगा, वही मेरा इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। आफ्टर दैट आप ये देख रहे होगे एरियर ऑफ अर्निंग, जो मेरी प्रीवियस सैलरी स्लिप में आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। तो ये एरियर्स क्यों आए हैं मुझे? ये इसलिए आए हैं बिकॉज जो मेरा JIIB का एग्ज़ाम था वो मेरा 31 मार्च को ही क्लियर हो गया था, बिकॉज उस दिन मेरा रिजल्ट आया था। सो आफ्टर दैट टेक्निकली जो था मेरा अप्रैल से JIIB का जो इंक्रीमेंट था वो लग जाना चाहिए था, बट मैंने अप्लाई ही लेट किया क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट ही लेट आया था उसका। जब सर्टिफिकेट आ जाता है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो इंक्रीमेंट के लिए। सो मेरा जब सर्टिफिकेट आया उसके बाद मैंने अप्लाई करा, तो इस मंथ जो था मेरा जो इंक्रीमेंट है वो सेंक्शन हो गया। सो आफ्टर दैट जो बीच के मंथ का गैप रहा ना मेरा, मतलब 31 मार्च के बाद का और ये जुलाई तक का 3-4 मंथ का, तो जितना भी मेरा उस टाइम पे इंक्रीमेंट आना चाहिए था वो नहीं आया टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से या फिर जो भी आप लगा सकते हो। सो उसकी वजह से जो मेरा थोड़ा सा मुझे लॉस हुआ था वो मुझे एरियर्स आए हैं, जितना मुझे उस टाइम पे मिलना चाहिए था अप्रैल में, मई जून वगैरह में, तो वो उस हिसाब से मुझे मिला है। तो क्लियरली ये आप यहाँ पे देख सकते हो उतने मंथ का मुझे गैप मिला है। आफ्टर दैट लोकेशन अलाउंस जो है वो सेम रहा है, पहले भी 700 था अभी भी 7 ही है। देन उसके बाद लर्निंग अलाउंस जो 6 था वो अभी भी 600 ही है, लेकिन मेरा जो स्पेशल अलाउंस है उसमें डिफरेंस आया है, दैट इज़ ये 7125 था पहले वाले में और अभी 7370 है। सो इसमें भी थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है मेरा। सो अब हम देख लेते हैं कि मेरी डिडक्शंस में क्या क्या फ़र्क पड़ा है और कितना कितना जो है मेरे डिडक्शंस इंक्रीज़ हुई हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट द डिडक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे अपना PF कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि रहता है 10% आपके बेसिक पे का। सो पहले जो था वो 43545 था और अब 4494 हो गया मेरा PF डिडक्शन। सो आफ्टर दैट प्रोफेशनल टैक्स तो एज इट इज़ है 200 था पहले भी, अभी भी 200 है, लेकिन जो सबसे बड़ा फटका पड़ा है वो है इनकम टैक्स का, दैट इज़ 2800 था पहले और अब 3490 पहुंच गया, दैट इज़ कि ऑलमोस्ट 600-700 का मुझे इंक्रीमेंट हो गया मेरे टैक्स डिडक्शन में। सो आफ्टर दैट हाउस रेंट रिकवरी 157 है, फर्नीचर रिकवरी 36 है और यूनियन की फीस 150 है, और ये तीनों जो हैं एज इट इज़ ही हैं, उनमें कुछ ना बड़ा है और ना ही कम हुआ है। देन आफ्टर दैट ये आप देख रहे हो कि PF एरियर्स। अब ये क्या है? अब जैसे पहले दिखाया ना कि अर्निंग्स में मुझे एरियर्स आए बिकॉज मेरा JIIB का इंक्रीमेंट लग जाना चाहिए था टेक्निकली अप्रैल में, बट लगा जुलाई में। सो वो जो 3-4 मंथ का गैप था उसके फिल करने मतलब उसके अंदर जो मेरी अर्निंग्स आनी चाहिए थी वो नहीं आई थी, इस वजह से अभी आई एरियर्स। सो वैसे ही जो मेरा PF था वो भी ज़्यादा कटना चाहिए था ना, अगर मतलब क्योंकि मेरी बेसिक पे इंक्रीज़ हो गई होती उस टाइम पे, सो मेरा PF भी इंक्रीज़ हो गया होता बिकॉज बेसिक पे का 10% होता है PF। सो उस वजह से जो एरियर्स रहे मेरी PF में जो कटा नहीं उस टाइम पे वो 452 था उसका डिफरेंस, तो वो उन्होंने अभी डिडक्शन कर लिए एक्स्ट्रा। आफ्टर दैट आप देख सकते हो मेरी जो पेंशन फंड है उसमें ज़्यादा पैसे जाना शुरू हो गए हैं, दैट इज़ ऑलमोस्ट लगा लो कि 700 तक तो मेरा यहाँ पे भी डिडक्शन ज़्यादा हो गई है।
सो आप लगा सकते हो कि 700 यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इनकम टैक्स में 700 इंक्रीज हो गया डिडक्शन होना, वहाँ पे कुछ समथिंग 100, तो मतलब 1490 का इंक्रीमेंट लगा, 500 आपका यहाँ से बढ़ा, मतलब जो भी लगा लो ना, अर्निंग्स आपकी जितनी इंक्रीज हुई हैं उतनी डिडक्शंस भी इंक्रीज हो गई हैं, तो इंक्रीमेंट का तो ऑल इन ऑल मुझे कोई यहाँ पे ना बेनिफिट दिखा नहीं। मुझे लग रहा था कि कुछ तो बेनिफिट होगा, बट मतलब देखा जाए तो मुझे तो कोई खास बेनिफिट लगा नहीं इसका ना। सो यही थी इस मंथ की सैलरी स्लिप, और टोटल अर्निंग्स देख लेते हैं अब हमारी क्या रही। वो थी हमारी टोटल अर्निंग्स पे एक नज़र मारे हैं तो दैट इज़ 78,087, और जो टोटल डिडक्शंस रही हैं वो हैं 15,558, और ऑल इन ऑल जो इनसे अर्निंग से और डिडक्शन से बच गया मेरे पास जो टेक होम पे है मेरी, दैट इज़ 62,529। सो ये थी मेरी इस मंथ की सैलरी। सो नेक्स्ट मंथ अब देखते हैं, एक्चुअल में तो नेक्स्ट मंथ ही पता लगेगा बिकॉज इस मंथ तो एरियर्स भी थे ना। सो अब हम लेट्स होप कि नेक्स्ट मंथ की सैलरी अच्छी आ जाए, देखते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू लाइक दिस वीडियो, टू कमेंट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो यार, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।